नई उमंगें और नई उम्मीदें लेकर नया साल आ गया है। बीती रात जहां लोगों ने नए साल के स्वागत में पार्टी को एंजॉय किया, तो वहीं आज हर कोई नए साल के पहले दिन को यादगार बनाने में लगा हुआ है। साल के पहले दिन रविवार की छुट्टी होने की वजह से लोगों को अपनों के साथ समय बिताने का मौका भी मिल गया। भले ही कड़कड़ाती सर्दी पड़ रही है, लेकिन बावजूद इसके कोई भी नए साल का जश्न मनाने में पीछे नहीं है। सुबह होते ही बड़ी संख्या में लोग मंदिरों, मस्जिद, गुरुद्वारा और गिरजाघरों में पहुंचने लगे, जहां उन्होंने अपने आराध्य से साल तरक्की और स्मृति की कामना की। वहीं न्यू ईयर हो और घूमना फिरना ना हो, ऐसा भला कैसे हो सकता है। भीषण सर्दी के बावजूद क्या बच्चे और क्या बड़े सभी शहर के मॉल, पार्कों और दूसरी जगह पहुंचने लगे। कोई अपने परिवार के साथ पहुंचा तो बच्चे अपने दोस्तों के साथ न्यू ईयर को एंजॉय करने के लिए पहुंचे। इस दौरान शहर के रामपुर गार्डन स्थित गांधी उद्यान में खासी भीड़ देखने को मिली। गांधी उद्यान के अंदर और बाहर लोगों का हुजूम उमड़ पड़ा, जहां नन्हे मुन्ने बच्चों ने वहां लगे झूले झूलकर जमकर मस्ती की। वहीं परिवार के साथ नए साल का पहला दिन मनाकर लोग काफी खुश नजर आए, साथ ही अपनी पसंदीदा चीजों को खाया पिया। कुछ लोग तो ऐसे थे जो दिल्ली और लखनऊ से नया साल मनाने के लिए बरेली पहुंचे हैं, जो गांधी उद्यान में भूल भुलैया देखने के लिए काफी उत्साहित नजर आए। इसके अलावा लोगों ने अपने परिवार के साथ शॉपिंग मॉल समेत तमाम जगहों पर जमकर खरीदारी भी की और साल के पहले दिन को यादगार बनाने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ी। वैसे तो काफी लोग ऐसे भी हैं जो नए साल पर अपनों को कोई गिफ्ट या फूलों का गुलदस्ता देते हैं, लेकिन इस बार नए साल पर फूलों का कारोबार भी ठंडा पड़ा हुआ है। हम बच्चों से एंजॉय करने आए हैं कि हम दिल्ली से आए हैं घूमने के लिए, ये हम ये बतायूं रोड पर रहते हैं, हम एंजॉय करने आएंगे, बच्चों को दिखाने हैं गांधी उद्यान क्या क्या भूल भुलैया के देखने आए हैं। मौसम भी ठंडा है और उसके बचाव के लिए गए हैं, बचाव के लिए मास्क है, सैनिटाइजर है, साथ में लेके आए हैं, घूम टहल के एंजॉय करके यहाँ एडवेंचर है वहाँ देखने आए हैं। किस तरीके की भीड़ यहाँ देखने को मिल रही है, यहाँ बरेली आए हैं अपने शहर, यहाँ बहुत भीड़ है, तो यहाँ मौसम भी ठंडा है क्या? मौसम बहुत ठंडा है यहाँ का, मतलब लखनऊ से ज़्यादा ठंड यहाँ पड़ रही है। फर्स्ट टाइम बच्चे के साथ है, इसलिए बहुत ही अच्छा लग रहा है, क्योंकि मेरे बच्चे का इस बार फर्स्ट ईयर है। अच्छा, वहीं ठंड भी पड़ रही है, इसको लेकर क्या कहना चाहेंगे? स्कूल को लेकर, ठंड को लेकर क्या कहना चाहेंगे? ठंड को लेकर, ठंड तो बहुत हो रही है, बट न्यू ईयर पर नहीं पता चल पा रहा है, अच्छा लग रहा है। टुडे आई एम वेरी हैप्पी, ज़्यादा अच्छी नहीं है। अच्छा, में रेड है, पिंक है, येलो है, पीच है, सभी कलर के रोज। अच्छा, बुकलेट कितने रेट से स्टार्ट है और कितने रेट तक की बुकलेट है? बुक 100 रुपीस स्टार्ट है। अच्छा, आज न्यू ईयर है तो बाहर से भी कोई ऑर्डर वगैरह आते हैं? हाँ, बाहर से आते हैं, ऑनलाइन काम होता है। अच्छा, किस तरीके की खरीदारी हो रही है ऑनलाइन? अधिकतर एक रोज की ज्यादा हो रही, वन पीस रोज की ज्यादा हो रही। वन पीस कितने का पड़ेगा? 20। पिछले साल के मुकाबले इस साल संडे की दिक्कत होगी?